प्रदेश सरकार के निर्देश, अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर जिले में प्रभावी कार्रवाई जारी। जिला पुलिस ने विभिन्न थानों में 8 प्रकरण दर्ज कर 32 वाहनों को किया जब्त। वाहनों में भरी हुई 1300 टन अवैध खनन सामग्री पकड़ी। ओवरलोडिंग में पकड़े 14 वाहनों पर खनन विभाग और DTO ने लगाई पेनल्टी। 6 जगह संयुक्त नाकों पर पुलिस के साथ माइनिंग राजस्व की टीम कर रही निगरानी। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज ने कहा, निरंतर कार्रवाई रहेगी जारी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ झुंझुनू पुलिस की प्रभावी कार्रवाई कर रही है। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा ने जिले के तमाम पुलिस थानों के साथ बैठक कर संभावित 6 स्थानों पर नाके लगाए, जहां 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अब तक जिले में 32 वाहनों को ओवरलोडिंग और अवैध खनन में पकड़ा गया है। पकड़े गए वाहनों में 1300 टन अवैध सामग्री भरी हुई थी। अब तक कुल 8 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा ने बताया कि ओवरलोडिंग में पकड़े गए ट्रकों को खनन विभाग और DTO द्वारा फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई गई है। आगामी दिनों में भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अभी राज्य सरकार के द्वारा 10 तारीख से अवैध खनन के विरुद्ध विशेष अभियान चला जा रहा है, उसमें हमने अपने जिले में काफी प्रभावी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान टोटल पुलिस के द्वारा 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और हमने करीब 32 वाहन जब्त किए हैं, जिनमें 14 वाहन जो है वो ओवरलोडिंग में जब्त हुए हैं और उन वाहनों पर DTO के द्वारा या फिर माइनिंग विभाग के द्वारा फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जा रही है। टोटल करीब 1340 टन अवैध सामग्री को हमने जब्त किया है इस अभियान के दौरान। अवैध खनन का को रोकने के लिए और अवैध खनन से संबंधित परिवहन को रोकने के लिए हमने 6 जगह संयुक्त नाके लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस के भी लोग हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, प्रशासन के भी हैं, ट्रांसपोर्ट के भी हैं और इन पर निरंतर निगरानी रखे हुए हैं।